महाभारत के महाकाव्य में ऐसे कई सारे चरित्र हैं जिनका हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। एकलव्य का चरित्र सबको समर्पण का पाठ पढ़ाता है। इस वीडियो में हम आपको एकलव्य के बारे में ऐसे अनजाने सच बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दी आकाश केवी में। तो चलिए अब इस वीडियो को आरंभ करते हैं। एकलव्य महाभारत महाकाव्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र था। वह एक प्रतिभाशाली धनुधारी के रूप में प्रसिद्ध हुआ था और उसके पास पशुपत नाम का धनुष था। एकलव्य एक आदिवासी राजा हिरण्यधनु का बेटा था, इस कारण वह निषाद भील जमाति का राजकुमार भी था। अन्य ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के ही चचेरे भाई थे। एकलव्य की पौराणिक कथा अपने गुरु के प्रति एक छात्र की असीम भक्ति को उजागर करती है। ग्रंथों के अनुसार एकलव्य तीरंदाजी के कौशल में माहिर था और धनुर्विद्या का सखोल ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया था, परंतु क्षत्रिय वर्ण से ना होने के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था। फिर भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपने मन में गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था और इसीलिए एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को ही अपना गुरु मानकर उसके समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन जब एकलव्य ध्यान लगाकर साधना कर रहा था, तब एक कुत्ते के कारण वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था जो पास में भौंक रहा था। फिर एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में सीधे 7 बार इस कौशल से चलाए कि कुत्ते को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी और जो कुत्ता भौंक रहा था वो भी बंद हो गया। इससे वो ध्यान लगाने में सफल रहा। परंतु जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का ये धनुर्कौशल देखा तो द्रोणाचार्य को अर्जुन से किए हुए वादे और हस्तिनापुर की रक्षा के लिए उनके दायित्व के लिए संभावित संकट नजर आया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु तो माना ही था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा की मांग की। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा ही मांग लिया और वो अंगूठा तीरंदाजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एकलव्य ने बिना कुछ सोचे ही पूरी खुशी के साथ उसने अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था। अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग कर तीर चलाने लगा। अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से एकलव्य पूरी तरह से एक कुशल योद्धा बन गया था। मथुरा पर हमले के दौरान जब उसने जरासंध को सहायता प्रदान की थी, तब उसने अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया था। ये भी माना जाता है कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही युद्ध के दौरान मारा गया था और अंतिम श्वास के दौरान भगवान कृष्ण ने उसे दृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेने का वरदान भी दिया था। एकलव्य ने तीरंदाजी का जो तरीका अपनाया था, उससे वर्तमान काल में तीरंदाजी करने के आधुनिक तरीके का भी जन्म हुआ है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और यदि आप और कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी यूज़र आईडी है @thedi_akashkevi। धन्यवाद। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ।